finally our destination is here. Number 2 Vrindavan. हम लोग जा रहे हैं वृंदावन. जी हाँ, तो मम्मी के साथ we guys are on the way. And आज हम आपको वृंदावन की हर जगह दिखाएंगे जो भी हम कवर कर पाएंगे. जी हाँ. और अब हम करेंगे मम्मी का रिएक्शन कवर. मम्मी आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अगर मुझे पहले बताता तो तब तो मैं करती कुछ तैयारी करके आती है ना. मैं तो चलो पर आपको खुशी नहीं लग रही? दर्शकों को तो लगेगा ना आप खुश नहीं हो. होगा कुछ बिहारी जी का तो तब जी हाँ. तो मम्मी को तो देखो, मम्मी का खुशी हाजिर खुशी को दिखाने का तरीका यही है कि क्या कहते हैं, मम्मी इतना ही खुश हो सकते हैं मेरे ख्याल से. लेकिन जी हाँ, हम बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि मम्मी को हमने सरप्राइज विजिट कराई है वृंदावन की. अच्छा लगा. और वृंदावन में मैं कवर करूँगा बांके बिहारी का टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत स्पॉट. तो अब आप स्टे ट्यून्ड रहिए क्योंकि आपके लिए आ रहा है बहुत अच्छा व्लॉग वृंदावन का. चलिए. और देखते ही देखते हमने ले ली है मेरो वृंदावन में एंट्री. चलिए आइए. हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन हमारे होटल में जो कि बेसिकली है कॉटेज. लेट मी जस्ट कवर दैट पार्ट नाउ. आइए. जी हाँ, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है वृंदावन कॉटेजेस बाय शिवसांते एंड दिस इज द प्रॉपर्टी. ये एक पेट फ्रेंडली कॉटेज है जो कि हम लोगों ने स्पेशली बुक करवाया है बिकॉज ऑफ मिष्टी. क्योंकि मिष्टी के लिए अब हमें अपनी बुकिंग मिष्टी को ध्यान में और मद्देनजर रखते हुए करवानी पड़ेगी. चलिए अब मैं कवर करूंगा कि हमारे रूम्स कैसे हैं. आइए. डॉग फ्रेंडली कॉटेज वॉज द ओनली 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 रिक्वायरमेंट आई हैड क्योंकि मुझे जगह ही ऐसी चाहिए थी जहाँ पर मेरी मिष्टी को जगह मतलब यू नो प्लेस मिल पाए. और वही है. फाइनली आई हैव गॉट अ ब्यूटिफुल कॉटेज ओवर हियर एंड यस दिस विल बी माई स्टे फॉर नेक्स्ट वन डे प्रोबेबली. तो चलिए कवर करते हैं मिस्टी कम लाइकिंग इट. चलिए. और यहाँ टर्न आती है हमारे रूम की जो कि है डिसेंटली मेंटेन्ड. जी हाँ, हम लोगों ने रूम फॉर 3 करवाया है, साथ ही साथ मिष्टी के लिए रूम करवाया है. सो मिष्टी यहाँ पर रहने वाली है अकेली फॉर टुडे एंड जब तक हम आएगी तो मुझे लग तो नहीं रहा, मुझे लग रहा है हमारे रूम का कबाड़ा हो चुका होगा. मगर नो वरीज क्योंकि हम लोग फिलहाल अभी जाएंगे मंदिर और क्योंकि हर जगह मिष्टी नहीं जा पाएगी तो मिष्टी को हम यहीं रखेंगे एंड हम लोग जाएंगे टेंपल एंड देन आफ्टर वी विल कवर द पार्ट. चलिए तब तक मैं यहाँ की एमिनिटीज कवर कर लेता हूँ इस कॉटेज की. यहाँ पर एक मिनी किचन है जो कि हम लोग यूज़ नहीं करेंगे ऑब्वियसली. एंड देन यार वी हैव आउटर व्यू फ्रॉम दिस लोकेशन एंड यार डिसेंटली फाइन रूम विद अलमीरा एंड डिसेंट वॉशरूम्स विच इज़ लाइक अ फाइन थिंग फॉर मी. या चलिए अभी फिलहाल आज ही रात के लिए हमें यहाँ पर स्टे चाहिए. लवीनू आपको कैसा लग रहा है बेटा? वेरी गुड वेरी गुड. चलो ठीक है. तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर करता हूँ इस ब्लॉग को बंद क्योंकि अभी हमें जाने के लिए होना है रेडी. चलिए. आफ्टर फाइनली हैविंग अ ग्रेट 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 जर्नी वी आर फाइनली वी हैव फाइनली रीच टू आवर डेस्टिनेशन. और हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है क्योंकि गाड़ी पार्क करनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ कवर करेंगे ओनली वाया रिक्शा. तो अभी हम रिक्शे की सवारी करने वाले हैं और हम रिक्शे से कवर करेंगे सबसे पहले बांके बिहारी का टेम्पल और फिर आगे मूव ऑन करते हुए चलेंगे. आज हम बहुत सारी जगह एक दिन में 4 जगह कवर करने वाले हैं और मैं आपको वो चारों जगह दिखाऊंगा. चलिए. और हम निकल चुके हैं सबसे पहले बांके बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए. और यहाँ पर हमने पकड़ लिया है रिक्शा और हमारे भैया जी भी हैं हमारे
मम्मी और लवीनू भी है सर। तो देखिए हम सब है मास्क ऑन फॉर बांके बिहारी टेम्पल के लिए रॉक ऑन। चलिए करते हैं बांके बिहारी के दर्शन। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और यहाँ पर मैं लवीनों को बताता हुआ कि मुझे मोर पंख खरीदने हैं और फिर साथ ही साथ मुझ जैसा लालची इंसान जैसे ही राइट की तरफ देखा तो मैं लवीनों को बताने लगा, लवीनों मुझे सब कुछ खाना है जैसे दर्शन हो जाएंगे हमारे। ये जगह बहुत मशहूर है, यहीं से सीधा हमारे है बांके बिहारी का मंदिर। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम गली भी कवर करें। इस गली में खाने पीने का बहुत ही सही सामान मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर मिलता है लड्डू गोपाल जी की सारी चीजें। तो हम शॉपिंग भी करेंगे और हम खाएंगे पिएंगे भी। आइए चलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा ये जो सामने आप महल की तरह एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग देख रहे हो यही है बांके बिहारी का बहुत सुंदर मंदिर। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है श्रद्धालुओं की। यहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन करना होता है बहुत ही मुश्किल, लेकिन हमने तो दर्शन कर लिए। लेकिन मुझे लगा मेरे सारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो बांके बिहारी के दर्शन करें, इसीलिए मैंने बहुत ही अच्छे से ये कवर किया है। अभी आप देखिए आगे और बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को कितने सही दर्शन कराए गए बांके बिहारी लाल के। और अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज निधि वन की तरफ। और हम सब के सब हैं अपने टीके से रेडी और अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन निधि वन की तरफ जा रहे हैं। वो भी हम वृंदावन की गलियों के बीचों बीच से जाएंगे और मैं वो भी आपके लिए अभी कवर कर रहा हूँ। आइए हम पहुंच गए हैं निधिवन। निधिवन इज सराउंडेड विद मार्केट और निधिवन की कहानियां भी मैं आपको सुनवाऊंगा। चलिए आइए। गया